रतलाम के आलूट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संगोष्ठी आयोजित की गई। यहां रानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती को नारी शक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती, स्वामी विवेकानंद व रानी लक्ष्मीबाई के चित्रों पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद अलग अलग विद्वानों ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर प्रकाश डाला। ये संस्था अतिथियों का और एबीवीपी के सभी सदस्यों का आभारी है। जय हिंद, जय भारत। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही निडर, बस यही है कि आप अपना आत्मबल बनाए रखें। आत्मबल एक ऐसा बल है कि जिससे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं आप अपना ढंग से, और आपका दिमाग और मन जो है वो अगर मजबूत है, ठोस है। आज का समय हमें इस स्त्री शक्ति दिवस के अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारी बाई, दुर्गावती, सुना उनके बारे पढ़ा भी होगा और अभी सुन भी लिया उन्होंने क्या क्या किस प्रकार से अंग्रेजों से लड़ने के लिए। राम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कपान कटारी उसकी यही सहेली। सैनिकों ने उन ब्रिटिश शासन काल को पराजय करा और उनके ऊपर विजय प्राप्त करी, आगे चल और विजय प्राप्त करी। ऐसे चलते अंग्रेज नहीं माने, 1858 में फिर झांसी के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो उधर झांसी रानी बाई की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे टाटा टाटिया टोपे करके, उन्होंने नेतृत्व करा और सर फिर भी हिम्मत नहीं आ रही।